नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जे जे होम्योपैथी क्लिनिक पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जहां पेशेंट को बहुत ज्यादा पेनफुल और सीवियर स्टिचेस के साथ होकर गुजरना पड़ता है और ज्यादातर केसेस बच्चों से लेके बड़ों तक सिर्फ मेल्स ही होते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वेरिकोसील के बारे में। वेरिकोसील वो इन्फ्लेमेशंस होती हैं जो बहुत ज़्यादा परमानेंट इन्फ्लेमेशन की वजह से डायलेटेशन में आ जाती हैं वीन्स की, और ये वीन्स स्क्रोटम में टेस्टिस के साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये होता क्यों है इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्लड का जो इनफ्लो है वो आउटफ्लो से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे उसके ब्लड के पूल अप हो जाने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन और डायलेटेशन ऑफ वीन क्रिएट हो जाती है। और यहाँ हम मोस्ट प्रेवलेंट केसेस की बात करें तो ये प्यूबर्टी से लेके एडल्टहुड तक होने वाले केसेस में देखा जाता है। और कारणों के बारे में बात करें तो इंजरी, इन्फेक्शन या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी चेंजेस, कुछ पेशेंट्स में तो स्पर्मेटिक कॉर्ड की खिंचाव की वजह से भी ऐसा हो जाता है। मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ केसेस अर्ली एज के भी आते हैं जिनमें जो चोट की वजह से ये कंडीशन पैदा हो जाती है। और आगे हम बात करें कि कौन सा साइड बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है तो लेफ्ट साइड के केसेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्लड पुलअप में यही सबसे ज़्यादा प्रोन टू कंडीशन में रहता है। नॉर्मल तौर पर बात करें तो वेरिकोसील के कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नज़र नहीं आते अगर वो लेफ्ट साइड में है तो, और इसी के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल कंडीशन में प्रेवलेंट भी हो सकता है। ये लंबे समय तक आपके साथ रहे और उसके साथ भी कोई सिम्टम ना हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर कुछ सिम्टम्स की बात हम अगर करें तो यहाँ डल एकिंग पेन क्रिएट हो सकता है पेशेंट्स में, उसी के साथ साथ स्टिचिंग भी फील हो सकती है। ये दर्द बहुत लंबे समय तक खड़े रहने या एग्जर्शन की वजह से हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ ये अगर आप आराम कर लें या लेट जाएं तो पेन में रिलीफ भी देखा जा सकता है। यहाँ कई बार सेकेंड सिम्टम्स में अगर हम बात करें तो एक मास ऑफ वर्म टाइप का बैग भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है स्क्रोटम में, और कई बार ये इतने छोटे होते हैं कि इनको नॉर्मली फील करना बड़ा मुश्किल है लेकिन टच से इनको फील किया जा सकता है। ये स्क्रोटल वीन के ऊपर एक अलग सी ग्रोथ होती है मांस के टुकड़े जैसी। थर्ड सिम्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पे साइज में डिफरेंस से भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेरिकोसील है। जी हाँ, एक स्क्रोटम छोटा हो और दूसरा उससे बड़ा हो गया हो तो भी वेरिकोसील को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये डिफरेंसेस बहुत कॉमनली तो नहीं देखे जा सकते लेकिन कुछ केसेस में जहाँ वेरिकोसील बड़ा हो जाता है तो वो डिफरेंशिएट कर देता है। इसके अलावा भी कुछ केसेस में बहुत प्रेवलेंट तौर पे देखा जाता है कि ये इनफर्टिलिटी के लिए भी एक कारण हो सकता है। जी हाँ, आप इस कंडीशन की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर देख सकते हैं और यहाँ इनफर्टिलिटी क्रिएट होने में ये बहुत आसानी से परेशान कर सकता है। वेरिकोसील की कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो ये लो स्पर्म काउंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और इसी के साथ साथ एजोस्पर्मिया भी क्रिएट कर सकता है, यानी कि ये स्पर्म काउंट को बिल्कुल नील भी कर सकता है। यानी कि प्रोडक्शन जब भी हो तो उसकी वजह से डिस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी कि स्पर्म काउंट सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। इसी के साथ साथ इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करें तो यहाँ आप वल्सल्वा मैन्यूवर करवा के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वेरिकोसील है कि नहीं। इसके अलावा कुछ अल्ट्रासाउंड भी इसके लिए बहुत अच्छे से आइडेंटिफिकेशन देते हैं जो कि पेल्विक लेवल पे आप करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ ब्लड काउंट और स्पर्म काउंट चेक करवा के भी आप इसकी डायग्नोसिस को दृढ़ कर सकते हैं। वेरिकोसील के कुछ ग्रेड्स भी होते हैं। जी हाँ, आपके डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसकी ग्रेडिंग करके और आसानी से आपको बता सकते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किया भी जा सकता है या नहीं, या फिर किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत भी है कि नहीं। तो पहला ग्रेड हम जिसकी बात करें वो है ग्रेड ज़ीरो। ये ग्रेड बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट होते हैं तो ये नॉर्मली देखने में नहीं आते, तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होगा। इस अल्ट्रासाउंड में आपको पता चलेगा कि आपको वेरिकोसील हुआ है। ग्रेड वन के लिए आपको अल्ट्रासाउंड करवाना होगा और उसी के साथ साथ वल्सल्वा मैन्यूवर अगर पॉजिटिव है तो आपका डॉक्टर इसको आइडेंटिफाई कर सकता है, अदरवाइज ये देखने में नहीं आएंगे। इसके बाद हम ग्रेड टू की बात करें तो यहाँ पे आपको नॉर्मल तौर पे विदाउट वल्सल्वा मैन्यूवर भी ये फील हो जाएंगे अगर आप चेक करते हैं नॉर्मली बाय हैंड, लेकिन ये नॉर्मली बाहर से देखने में आइडेंटिफाई नहीं होते, आपको विजिबल ही नहीं होंगे नॉर्मल आइज से। अगले ग्रेड के बारे में बात करें तो ये ग्रेड थर्ड आपका डॉक्टर नॉर्मली देख भी सकता है और अपने हाथों से फील भी कर सकता है, ये इतने लार्ज होते हैं। और इस ग्रेड को चेक करने के लिए आपको कोई अल्ट्रासाउंड और वल्सल्वा मैन्यूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
ये नॉर्मल तौर पे विद बेयर आईज आपको देखने को मिल जाते हैं। मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो आपको कुछ चीजों का खास ख्याल रखना होगा और उसी के साथ साथ कुछ चीजों को आपको इस्तेमाल में कम लेना होगा, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा जंपिंग नहीं करनी है या कोई एग्जर्शन वाला जॉब नहीं करना है। इसी के साथ साथ भारी सामान उठाने से भी आपको बचना होगा। यहाँ हम कुछ जनरल एक्टिविटीज के बारे में भी बात करें जो पेशेंट अपने आप भी फील कर सकता है, तो उन फीलिंग्स के अकॉर्डिंग भी वो मैनेजमेंट को लिमिटेड कर सकता है। और इसी के साथ साथ खान पान पर भी अच्छे से ध्यान रखना होगा, बहुत ज़्यादा सावर एसिडिक फूड नहीं लेना, ठंडी चीज़ों से बचाव रखना होगा। और उसी के साथ साथ झुकने उठने में आपको परहेज करने होंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज से भी बचाव रखना होगा जिससे कि आपको परेशानियाँ होती आई हैं। यहाँ पे हम एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें तो आपको उस टाइम पे कुछ हैवी और टाइटर अंडरवेयर्स का इस्तेमाल करना होगा। इसी के साथ साथ आपको अगर दर्द या फिर किसी भी सूजन के साथ परेशानी हो रही है तो कुछ कोल्ड आइस पैक्स का इस्तेमाल भी आप एप्लीकेशन के लिए कर सकते हैं, इससे आपको सिम्टम्स में रिलीफ जरूर मिलेगा। यहाँ हम होम्योपैथिक मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो यहाँ पहली मेडिसिन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आर्निका मोंटाना बहुत अच्छी दवाई है जो इसको रिवर्स कर सकती है सिचुएशनली, अगर किसी चोट या फिर नसों के खिंचाव की वजह से हुआ है तो। बेलाडोना के बारे में बात करें तो बेलाडोना में स्वेलिंग के साथ पेन और रेडनेस वाले सिम्टम अगर आप देख पा रहे हैं या फिर एलिवेशन इतना ज़्यादा है कि स्क्रोटम इन्फ्लेम होके नॉर्मल स्क्रोटम से बड़ा हो गया है तो बेलाडोना भी काफ़ी ज़्यादा लाभकारी दवाई है। अगली दवाई जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो है रोडोडेंड्रन। रोडोडेंड्रन में राइट साइडेड स्क्रोटल स्वेलिंग देखने को मिलती है और यही लेकेसिस में लेफ्ट साइड की स्वेलिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। जी हाँ, तो इन सभी मैनेजमेंट्स के साथ आप अपनी कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और मेडिसिन के बारे में बात करें तो अगर आपको फिर भी परेशानी होती तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को जाके अपना केस टेकिंग देके बहुत अच्छे से सिमिलिमम मेडिसिन से इसको रिकवर कर सकते हैं। आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो यहाँ हम अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ और नई वीडियो में। धन्यवाद।